हेलो लेडीज़ एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। दिशा रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग मुर्ग मुसल्लम कैसे बनाना है वो देखने वाले हैं। बहुत ही स्पेशल तरीके से और आसान तरीके से हम लोग ये बनाएंगे। बहुत टेस्टी लगता है ये खाने में, और जितना टेस्टी लगता है उतना खाने में बहुत मज़ेदार है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने 1.5 किलो चिकन लिया है लगभग। तो ये से बड़े बड़े पीसेस हम लोगों को लेने हैं, जैसे बिल्कुल तंदूर के लिए होते हैं बिल्कुल वैसे ही हम लोगों को ये लेने हैं। तो ये 1.5 किलो मैंने लिया है। उसके ऊपर हम लोग ये डालेंगे विनेगर। अगर आपके पास विनेगर नहीं है, ये प्लेन वाला विनेगर है तो विनेगर नहीं होगा, तो आप इसे नींबू का रस जो रहता है उससे भी आप रिप्लेस कर सकते हो। तो ये मैंने विनेगर डाल दिया। उसके बाद उसमें हम लोग डालेंगे 2-3 टेबलस्पून दही। दही थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि दही से हमारा जो मेन टेस्ट है वही आएगा। तो 3-4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे दही लिया है। ये दही हम लोगों को बचा के रखना है, क्योंकि हम लोग जब भी ग्रेवी बनाएंगे इसकी, तभी हम लोगों को दही ये लगने वाला है। और उसके बाद डाल देते हैं नमक, 2 टेबलस्पून नमक, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमें ये जो चिकन है वो अच्छे से मैरिनेट कर लेना है। तो देखिए, हमारा जो ये चिकन है वो अच्छे से मैरिनेट हो गया है। दही, विनेगर, और हम लोगों ने इसमें डाला था नमक। तो मैंने जैसे आपको कहा, अगर आपके पास प्लेन वाइट विनेगर नहीं है तो आप इसे नींबू का जो रस रहता है उससे भी रिप्लेस कर सकते हो। तो बस अभी इसे हम लोगों को 10-15 मिनट के लिए ढक के रख देना है। तो जब तक हमारा जो चिकन है वो मैरिनेट होके तैयार हो रहा है, हम लोग एक मसाला बना लेते हैं, जो हमें फिर से चिकन को मैरिनेट करके रखना है। तो उसके लिए भी हम लोग लेंगे बस 2 टेबलस्पून ऑफ दही। उसके बाद इसमें हम लोग ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले हम लोग ऐड करते हैं लाल मिर्च पाउडर। ये आपको जैसे तीखा पसंद हो वैसे आपको ऐड करना है। तो मैं ये छोटे चम्मच है तो 3-4 चम्मच ऐड कर रही हूँ। उसके बाद इसमें हम लोग ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑफ हल्दी पाउडर। डालते हैं 2-3 टेबलस्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर, यानी कि धनिया पाउडर। अगर आपके पास दोनों कंबाइन वाला है, धने और जीरे का पाउडर, वो आप यूज़ कर सकते हो। गरम मसाला 1/2 टीस्पून। उसके बाद ये चाट मसाला मैं ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून। अगर आपके पास चाट मसाला भी नहीं है तो आप इसमें लेमन जूस ऐड कर सकते हो। काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून। ये मैंने सब छोटे छोटे चमचे यूज़ किए हैं, तो आप भी इसी हिसाब से मेजरमेंट ले सकते हो। उसके बाद 1 टीस्पून ये मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है वो डाल देंगे, और जीरा पाउडर ये भी 1/2 टीस्पून। तो बस हमारे साले मसाले इसमें डल गए हैं। मिक्स कर लेते हैं इसे अच्छे से। तो मैंने ये सारे मसाले इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ही ड्राई हो रहे हैं, तो इसमें आप थोड़ा सा दही ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो फ्लोई होनी चाहिए, ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छे से इसके साथ मैरिनेट हो जाए। नमक इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी मैरिनेट करते समय जो दही और विनेगर मैरिनेट किया था, तब भी हम लोगों ने थोड़ा सा नमक उसमें डाला था, तो वही नमक उसको सफिशियंट हो जाता है। तो मसाला हमारा ये बनकर तैयार हो गया है। तो देख सकते हो आप, ऐसी कंसिस्टेंसी मसाले की हम लोगों को चाहिए। तो ये है स्टफिंग जो हम लोगों को, ये जो चिकन हम लोगों ने लिया है उसको मैरिनेट करने के लिए। तो देखिए, हमारा जो ये मसाला है वो बनकर रेडी हो गया है। तो कंसिस्टेंसी आप इसकी देख सकते हो। अगर आपके पास और दही अवेलेबल नहीं है, थोड़ा सा आप लोगों ने आधी कटोरी इसमें पानी ऐड किया तो भी कोई बात नहीं। तो बस ये हमारा मैरिनेट होके जो 10-15 मिनट के लिए हम लोगों ने इसे छोड़ दिया था, तो बस ये जो मसाला हम लोगों ने बनाया है वही हम लोगों को इसमें अभी ऐड कर देना है।
तो ये देखिए सारा मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे ये कलर जो ऑरेंज कलर है, ये लिक्विड फूड कलर नहीं है, ये सॉलिड फूड कलर है, लेकिन ये पूरा ऑप्शनल है। ये सिर्फ हमारे जो चिकन का है वो बहुत अच्छा कलर देगा, और वो कैसे है कलर जब भी अच्छा आता है ना तो खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस कभी कभी आप लोग पार्टी में वगैरह पार्टी के लिए बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप ये डाल सकते हो, बस थोड़ा सा कलर इसमें ऐड करना है। और अगर आपके पास केवड़ा वाटर है यानी कि केशर का वाटर है तो आप ये भी उसमें डाल सकते हो। ये दोनों भी चीज़ें आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो ही आप लोगों को इसमें ऐड करने हैं। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे मैं चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर रही हूँ कलर हमारा बहुत चेंज होता जा रहा है, डार्क ऑरेंज कलर इसको आ रहा है। तो अच्छे से इसे हम लोग पहले मिक्स कर लेते। तो चिकन देखिए हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया है, कलर आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर इसे आया है। और अभी इसे हम लोगों को 1 से 1.5 घंटे के लिए अच्छे से मैरिनेट होने के लिए रख देना है। अगर आपको आप ये सुबह बना रहे हो, ये जो मुर्ग मसाला हम लोग जो बना रहे हैं, अगर आपको ये सुबह के टाइम बनाना है तो आप ये रात को भी मैरिनेट करके रख सकते हो। जितना ज़्यादा ये मैरिनेट होगा उतना अच्छा उसे टेस्ट आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक इसे हम लोगों को मसाले के साथ मैरिनेट करने के लिए रख देना है। तो एक और बात, अगर आप पूरी एक मुर्गी जो लाते हो, ये मैंने पीसेस लाए हैं तंदूर के, अगर आप पूरी मुर्गी लाते हो तो बस इसे बीच में चाकू की हेल्प से कट्स लगाना है ताकि ये जो मसाला है वो सारा उसके कट्स के अंदर चले जाए। ये छोटे छोटे पीसेस है इसलिए इसको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये ऑप्शनल है। अगर आप बड़ी वाली मुर्गी यहाँ पर यूज़ कर रहे हो, डायरेक्टली जो बड़ा पीस आता है वो आप यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए ये ऑप्शनल आपको मैं दे रही हूँ। तो बस इसे अभी हम लोग 1 से 1.5 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो चलिए जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है तब तक हम लोग इसके अंदर का जो स्टफिंग है वो बनाकर ले लेते हैं। तो ये मैंने पैन अच्छे से गर्म कर लिया है, उसमें ऐड कर देते हैं बटर। बटर, घी, ऑयल कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, ऑप्शनल है, लेकिन बटर यूज़ करें, टेस्ट इसका अच्छा आएगा। तो देखिए हमारा जो बटर है वो अच्छे से मेल्ट होने के बाद इसमें हम लोग ऐड करेंगे चॉप्ड ऑनियन, 2 से 3 ऑनियन छोटे छोटे चॉप करके लेने हैं। उसके बाद ऐड कर देते हैं टमाटर, एक छोटा टमाटर। मिक्स कर लेते हैं इसे अच्छे से। तो थोड़ा सा ऑनियन और टमाटो सॉफ्ट हो जाए उसके बाद हम लोग ऐड करने वाले हैं कुछ मसाले। तो इसमें डाल देते हैं 2 टेबलस्पून ऑफ लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा सा अभी कम मसाले यूज़ करने हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने मसाले इसमें ऐड कर लिए हैं। कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, उसके बाद डालेंगे जीरा पाउडर। जीरे और धने का जो पाउडर मिक्स रहता है वो अगर आपने यहाँ पे यूज़ किया तो भी कोई बात नहीं, जीरे पाउडर से बहुत ही अच्छा टेस्ट हमारा आता है। कोई भी आप सब्जी बना रहे हो, कुछ भी, अगर आप नॉनवेज में ज़्यादा से ज़्यादा जीरा पाउडर यूज़ होता है। तो ये मसाला थोड़ा सा अच्छे से हम लोगों को सेक लेना है, प्याज टमाटर और मसाले हम लोगों ने जो डाले हैं वो। तो मसाला अच्छे से हो जाने के बाद इसमें हम लोग ऐड करेंगे 1/2 बॉइल वाटर। बहुत ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना है, बस मसाले को अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, हमारे प्याज टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, बस उतना ही पानी यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, नमक बहुत कम यूज़ करना है क्योंकि मैरिनेट करते समय भी इसमें हम लोगों ने नमक ऐड किया था। नमक ऐड करेंगे और ये मैंने लिया है खीमा है, ये चिकन का खीमा है। अगर आप बोनलेस चिकन भी लाते हो तो भी कोई बात नहीं, बस इसे मिक्सर में अगर आपने निकाला तो इसका अच्छे से खीमा बन जाता है। तो ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और इसे भी अच्छे से मिला लेते हैं। तो ये जो है ये हमारा अंदर का स्टफिंग बन गया है। जैसे मैंने आपको कहा, अगर आप पूरी फुल मुर्गी जैसे बोलते हैं, अगर आप वो ला रहे हो तो इसके उसके अंदर हम लोगों को ये जो स्टफिंग है वो ऐड करना है। अगर आप तंदूर के पीसेस लाते हो
तो आप लोगों को ये कैसे ऐड करना है वो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये देखिए स्टफिंग हमारा रेडी हो गया है और बस लास्ट में हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं मटन मसाला जो एवरेस्ट का रहता है। वो मैंने आपको कहा है कि जब भी आप लोग मसाले यूज़ करेंगे तो मैंने आपसे सजेस्ट किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एवरेस्ट के मसाले यूज़ कीजिए। तो देखिए हमारा स्टफिंग रेडी है, बस अभी 2 से 3 मिनट तक हम लोगों को इसे ढक के रखना है ताकि हम लोग ने जो चिकन कीमा इसमें डाला है वो अच्छे से मसालों के साथ पक जाए, ये बिल्कुल कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो ये देखिए मसाला हमारा बनकर तैयार है। उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे 2 से 3 अंडे। तो आप देख सकते हो किस तरह से मैंने यहाँ पे ये चॉप करके लिए है, ये इसमें डाल देते हैं और सबसे लास्ट में ऐड करेंगे इसमें हरा धनिया। मिक्स कर लेते हैं इसे और फिर से 2 से 3 मिनट तक हम लोगों को ये जो मसाला है वो ढककर रख देना है ताकि ये जो अंडे है वो अच्छे से मसालों के साथ कोट हो जाए। तो स्टफिंग हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए ये जो हमारा चिकन था जो हम लोगों ने मैरिनेट करके रखा था ये बिल्कुल तैयार हो गया है। 1 से 1.5 घंटे के लिए मैंने इसे अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। इसे फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो कलर आप देखिए कितना अच्छा आया है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आपके पास जो फूड कलर होगा घर में अवेलेबल होगा तो आप इसे ऐड कीजिए। तो खाने में भी ये जब भी पकता है वो बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है दिखने में भी। तो बस ये हमारा जो चिकन है वो अच्छे से मैरिनेट होके तैयार हो गया है। तो अभी हम लोगों ने जो अभी अभी मसाला बनाया इसके अंदर का जो स्टफिंग बनाया है वो इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं। बस इसी तरह से हम लोगों को इसमें ये जो स्टफिंग है वो ऐड कर देना है। और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। अगर आप फुल मुर्गी ले रहे हो तो उसके अंदर का जो स्टफिंग रहता है जो हम लोगों ने कट्स किए हैं उसमें आप लोगों को ये जो स्टफिंग है वो भरना है। और अगर आप ऐसे तंदूर के जो पीसेस है वो अगर यूज़ कर रहे हो तो इस तरह से ये स्टफिंग हमें लगाना है। तो अभी इसे भी हम लोग 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और इसकी जो ग्रेवी है वो बना लेते हैं। तो चलिए अभी हम लोग हमारा जो चिकन है वो पकने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पैन, उसमें ऐड कर देते हैं ऑयल बटर घी कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, ऑप्शनल है। अच्छे से इसे गरम कर लेते हैं। तो तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है, पीसेस हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं। ऐसे पकड़ वगैरह हो तो सही रहेगा इसमें ऐड करने के लिए। तो अभी ये सारे पीसेस ऐड करने के बाद जो हमारा बचा हुआ मसाला रहता है इसमें वो अभी हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं। पानी वगैरह बिल्कुल भी इसमें हमें ऐड नहीं करना है क्योंकि बाद में इसे बहुत सारा पानी छूटेगा जो मसाले हम लोगों ने ऐड किए हैं। प्याज हम लोगों ने इसमें डाला है तो बहुत सारा पानी इसमें छूटने वाला है, तो पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है। बस अभी इसे हम लोग ढककर रख देते हैं। तो देखिए जो हम लोगों ने स्टफिंग बनाया था उसी का पैन मैंने फिर से ले लिया है क्योंकि हम लोगों को अभी ग्रेवी बनानी है। तो इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं सबसे पहले बटर ही आप यूज़ कीजिए क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बटर को अच्छे से गरम कर लेते हैं। तो बटर अच्छे से गरम होने के बाद इसमें ऐड कर देते हैं कुछ गरम मसाले। तो ये 3 से 4 काली मिर्च, 3 से 4 लौंग, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, थोड़ा सा इतना ही बस। उसके बाद चॉप किया हुआ ऑनियन, मिक्स कर लेते हैं इसे अच्छे से।
थोड़ा सा ऑनियन सॉफ्ट होने के बाद हम लोग इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो ऑनियन हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे पॉपी सीड्स, यानी कि जो खसखस रहता है वो लगभग 1 टीस्पून। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है चिकन को। तो जब भी आप नॉनवेज बनाओगे चिकन वगैरह, तो आप ये जो पॉपी सीड्स है ये यूज़ करके देखिए, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप फ्राई कर रहे हो सिर्फ चिकन सुक्का वगैरह, उसमें भी आप पॉपी सीड्स ऐड कर सकते हो। उसके बाद डाल देते हैं कुछ मसाले, लाल मिर्च पाउडर। ये जो तीखापन है ये आपको आपके हिसाब से करना है, जैसे आपको तीखा पसंद हो। मीडियम चाहिए मीडियम बनाइए, तीखा चाहिए थोड़ा सा तीखा बनाइए। 2 टीस्पून मैंने कोरिएंडर पाउडर डाला है, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून हम लोग डाल देते हैं चाट मसाला, जीरा पाउडर, और ऐड करेंगे थोड़ा सा हींग। नॉनवेज बनाते समय हींग का यूज़ करते रहिएगा, क्योंकि डाइजेशन प्रॉपर होता है और टेस्ट में भी थोड़ा सा फ़र्क रहता है, तो हींग आप ज़रूर यूज़ कीजिए। ये सब मसाले डालने के बाद हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। ये मैंने कैश्यू नट्स और बादाम लिए हैं, काजू और बादाम, ये थोड़े से क्रश करके डालने हैं। बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स हमें यहाँ पे यूज़ नहीं करने हैं, नहीं तो हमारी जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी स्वीट हो जाएगी। शुगरलेस वाले जो होते हैं कैश्यू नट्स वगैरह, वो ही आप यूज़ कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप वही यूज़ कीजिए कि जो शुगरलेस कैश्यू नट्स रहते हैं वो। बादाम में तो शुगर ये नहीं रहता है, नमक नहीं रहता है, लेकिन शुगरलेस और जो बादाम थोड़े से जो सॉल्टलेस शुगरलेस रहते हैं वही आपको यूज़ करने हैं। तो मसाले डालने के बाद इसमें ऐड कर देते हैं दही, 2 बड़े चम्मच दही, मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। मसाले को 2 मिनट तक अच्छे से सॉटे कर लेना है। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे लगभग 1/2 कप वाटर, पानी थोड़ा सा ऐड करना है। थोड़ा सा उसकी जो ग्रेवी वो थिक होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला हम लोगों को नहीं इसे बनाना है। और उसके बाद सबसे लास्ट में ऐड कर देते हैं कोरिएंडर लीव्स, यानी कि धनिया पत्ता। और अभी इसमें ऐड कर देते हैं तंदूरी चिकन मसाला। अगर आपके पास मटन मसाला नहीं है, तंदूरी चिकन मसाला आप इसमें ऐड कर सकते हो। अगर तंदूरी चिकन मसाला नहीं है तो मटन मसाला ऐड कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि ये जो मसाले हैं ये आपको एवरेस्ट के यूज़ करने हैं। मैं आपको हर एक वीडियो में सजेस्ट करती हूँ, मैं जो भी मसाले यूज़ करती हूँ, पनीर वगैरह कोई भी मसाले अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो एवरेस्ट के यूज़ कीजिए। और सबसे लास्ट में हम लोगों को इसमें ऐड करना है स्वाद अनुसार नमक। और हमारी जो ये ग्रेवी है वो बनकर तैयार हो गई है। बस 1 से 2 मिनट तक इसे अच्छे से हम लोगों को सॉटे कर लेना है। 2 मिनट तक इसे अच्छे से बॉईल आने के लिए रख देना है और हमारी जो ग्रेवी है वो बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा मुर्ग मुसलम बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अभी हम लोग इसमें इसके ऊपर ऐड कर लेते हैं ग्रेवी जो अभी हम लोगों ने बनाई थी वो। जैसे बिल्कुल हम लोग चटनी वगैरह चाट पे ऐड कर देना, बिल्कुल उसी तरीके से ये जो ग्रेवी है हम लोगों को इसके ऊपर ऐड करनी है। बस ऐसे इस तरह से। उसके बाद इसके ऊपर जाएगा बहुत सारा चीज़। चीज़ ऑप्शनल है, अगर आपको ऐड करना है, अगर आपको स्किप करना है तो स्किप कीजिए, लेकिन ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो मैं तो कहूँगी आप चीज़ बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए इसके ऊपर। तो बहुत सारा चीज़ हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं।
थोड़ा सा हरा धनिया और कुछ स्प्रिंग अनियंस, और लेमन। तो बस रेडी हो गई हमारी डिश, बनकर तैयार। नान, पराठा, चपाती किसी के भी साथ आप ये खा सकते हो। अगर सिर्फ ऐसे ही जैसे हम लोग तंदूर खाते हैं ऐसे भी आप लोगों ने खाया तो भी बहुत टेस्टी लगता है ये खाने में। तो आपको आज की रेसिपी कैसे लगी वो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो बहुत सारा शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो बिल्कुल इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ऐसे ही एक न्यू रीजनल रेसिपी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।